हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने अंडर वैक्स लेकर आई हूँ। अंडर आर्म वैक्स किस तरह से आप कर सकते हैं रेडीमेड पट्टी से। फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा है तो आप पार्लर पर करवाइए, या फिर थोड़ी सी जिसको प्रैक्टिस हो, पार्लर की नॉलेज हो, आप उससे ही खिंचवाइए। अगर आपके कम बाल हैं, 20 दिन के, 25 दिन के कम मात्रा में बाल हैं, तो आप खुद भी खींच सकते हैं, क्योंकि अधिक बाल प्रॉपर खींच नहीं पाते हैं। फ्रेंड, ब्लड निकलने की शिकायत हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइट बाल होते हैं और प्रेशर से खींचना पड़ता है, तो खुद से नहीं खींच पाते। अगर आपकी ग्रोथ कम है तो आप आसानी से खुद कर सकते हैं। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप खुद अपना वैक्स कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ये सिलिक का वैक्स पट्टी लेकर आई हूँ। आप इससे किस तरह से वैक्स कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं फेस वैक्स वगैरह इसी पट्टी के द्वारा करती हूँ। बाल काफ़ी अच्छे निकलते हैं और काफ़ी लंबे समय में आते हैं। तो फ्रेंड, मैं इससे बताती हूँ आपको इससे बाल कैसे निकलते हैं। हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं बालों की ग्रोथ कैसी है। तो आज मैं आपको इनको निकालना बताऊँ। सबसे पहले तो बहुत आप इजी तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप अच्छे तरह से पाउडर लगा लीजिए। फ्रेंड, पाउडर लगाने के बाद इस एक फुल पट्टी आएगी। फ्रेंड, इस तरह का फुल पट्टी आएगा। फ्रेंड, आपको इसको कट करना है। फ्रेंड, आपको जितने एरिया में आपके बाल हैं आप उतना कट कर लीजिए। मैंने फ्रेंड ये काट के पट्टी रखी हुई है, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, इस पट्टी को आपने पाउडर अच्छे से, बहुत अच्छे से लगा लिया है, आपको इसको क्या करना है फ्रेंड, अच्छे से निकाल देना है और एक हिस्सा साइड में रख दीजिए और आप दूसरे हिस्से को अच्छे से फ्रेंड चिपका लीजिए। हाँ फ्रेंड, बहुत अच्छे से चिपका लिया है आपने, अच्छे से दबा लीजिए इसको। आप 1 मिनट के लिए अच्छे से, जब प्रॉपर ये अच्छे से दब जाए फ्रेंड, तो आपको स्किन को थोड़ा टाइट कर लेना है। अगर कोई खींचने वाला है, आपकी फ्रेंड वगैरह, बहन वगैरह, तो आप उससे खिंचवा लीजिए, नहीं तो आप खुद ही खींचेंगे। थोड़ा सा दर्द तो होता है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। फ्रेंड, एक बार में ही मेरे बाल निकल गए हैं। फ्रेंड, आपके ये ऊपर और है थोड़े से बाल, आप स्किन को दबा दीजिए। फ्रेंड, थोड़ा दर्द तो होता है फ्रेंड, लेकिन घर बैठे अगर आपको कहीं अर्जेंट जाना हो तो आप बहुत इजी तरीके से वैक्स कर सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा वैक्स हो गया। फ्रेंड, थोड़ा सा दर्द तो होता है फ्रेंड, वो तो आप पार्लर पर जाओगे तो भी दर्द होगा फ्रेंड, लेकिन आपके अगर कम बाल हैं और आपको अर्जेंट कहीं जाना है, पार्लर पे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस तरह से वैक्स कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं ये वैक्स करती रहती हूँ 20 दिन में, 22 दिन में, 25 दिन में, तो मुझे ये पट्टी मेरे हैबिट में आ गई है। फ्रेंड, मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि एक तो इससे प्रॉपर बाल निकल जाते हैं। फ्रेंड फ्रेंड, मैंने बीट का पट्टी भी यूज़ किया है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए फ्रेंड, उससे सभी की स्किन अलग अलग होती है फ्रेंड, तो मेरे उससे दाने निकल आए थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि यार स्लीक का वैक्स पट्टी यूज़ करके देख, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो मैं ऐसा नहीं कहती कि वीट की पट्टी ख़राब है फ्रेंड, मैं किसी भी ब्रांड को ये नहीं कहूँगी कि वह गलत है, लेकिन मुझे, आप सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे स्लीक का वैक्स पट्टी बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड, इससे मेरे क्लियर बाल भी निकल जाते हैं फ्रेंड, और काफ़ी लंबे समय से भी आते हैं बाल। आप देख सकते हैं फ्रेंड पट्टी में बाल, शी कितने फ्रेंड। बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट बार वैक्स किया था फ्रेंड, बहुत जान निकल गई थी मेरी, लेकिन मैंने कोशिश की थी फर्स्ट बार, तो मेरे आधे अधूरे बाल निकले थे फ्रेंड। मेरे को काफ़ी 6 मंथ से ऊपर हो गया है फ्रेंड, मैंने करीब 6-7 बार निकाल लिए। अब मेरी स्किन को शायद इस पट्टी की आदत पड़ गई है। मैं बिल्कुल वैक्स से नहीं करती हूँ, मैं आपको
ब्राज़ील वैक्स का भी बताऊंगी कि ब्राज़ील वैक्स से आप किस तरह से निकाल सकते हैं फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, क्योंकि बाल यहाँ काफ़ी सॉफ्ट स्किन रहती है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, इसी वॉक्स के अंदर ये स्लीक के पाउच आते हैं फ्रेंड, मॉइस्चराइजर पाउच आते हैं, विप्स आती हैं, तो मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। काफ़ी पैकेट फ्रेंड, ये पूरा पैकेट 180 के करीब का आता है, इसमें 10 पट्टियाँ निकलती हैं और 6 इस तरह के पाउच निकलते हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह के बिप्स निकलते हैं फ्रेंड। ये देखिए आप, इसमें काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है फ्रेंड, आप इसको फेस वैक्स करते समय लगाओगे तो आपके फेस पर कोई भी एलर्जी या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वैक्स से करते हैं स्किन काफ़ी रेड हो जाती है, दाने निकल आ जाते हैं फ्रेंड। उसके बाद आप इस मॉइस्चराइज़र विप्स को लगा लीजिए फ्रेंड, आपको स्किन पर बहुत फ़र्क दिखेगा, रेडनेस भी नहीं दिखेगी फ्रेंड। आप इसका एक हिस्सा तोड़ लीजिए, ये देखिए कितना मॉइस्चराइजर है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्मूथ से बाल निकल गए हैं। खुद निकालना थोड़ा सा कठिन होता है फ्रेंड, लेकिन जब आप बार बार रिपीट करते रहोगे फ्रेंड तो आपकी स्किन को भी आदत हो जाती है और बाल आसानी से निकल जाते हैं फ्रेंड। एक दो बार में तो प्रॉब्लम आती है, आप दो पांच बार निकाल कर देखेंगे तो बहुत अच्छे से बाल निकल, आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना क्लियर हो गया है। ओके फ्रेंड, वैक्स पट्टी से निकालना और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने ला सकूं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आप हेयर रिमूवर कौन सा यूज़ करें और उससे आप किस तरह से बाल निकाल सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड, गुड नाइट।